कि अभी आप जानते हो कैंसर मेडिसिन हो गए उनकी कॉस्ट है ना वो काफी तेजी से इंक्रीज करती जा रही है और इसके लिए ना एक राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ है उसने ये बात नोटिस करी हुई है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस कीजिए कि जो 40% कैंसर के कारण हॉस्पिटलाइज केसेस होते हैं वहाँ पर कहाँ से पैसा जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है कहीं से पैसा उधार लेके कई बार हो सकता है कि अपना घर वगैरह बेचना पड़े ठीक है या फिर अपने जो फ्रेंड्स हो गया रिलेटिव हो गया यहाँ से पैसे मांग कर पैसे लेकर ये सारी चीजें करी जाती है। तो कैंसर का इलाज ही अपने आप में इतना महंगा हो चुका है कि काफी मुश्किल होता है कि एक आम इंसान उसको अफोर्ड कर पाए। अगर आप बात करो देखो अगर आप पब्लिक स्पेंडिंग की बात करो गवर्नमेंट की बात करो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर देखो खर्चा होता है अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करो तो वहाँ पर खर्चा तीन गुना ज्यादा होता है। देखो मैं तो अभी कई बार फॉर एग्जाम्पल कई बार काफी लोगों को देखा मान लो कि गुरुग्राम या दिल्ली के आसपास बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर खर्चा इतना है कि दिन के 50,000-60,000 तो काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। इन जनरल हॉस्पिटल भी कैंसर की बात करें तो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर ना कमेटी ने ये नोटिस किया है कि इंडिया में नियरली 14 लाख केसेस हमें 2020 के अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाते हैं कैंसर से संबंधित। अब देखिए यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर कॉस्ट की वजह से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इलाज नहीं करवा पाते कैंसर का उससे होता क्या है सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। मान लीजिए किसी पर्सन को कैंसर है अब इसके पास पैसे ही नहीं है उसके इलाज करने के लिए तो क्या होगा इलाज करवा नहीं पाएगा इंडिया क्या होगा उसकी डेथ हो जाएगी। डेफिनेटली जो सर्वाइवल रेट है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आता है। अगर आप नोटिस करते हैं फॉर एग्जांपल आप इंडिया की बात कर लीजिए साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए यहाँ पर सर्वाइवल रेट काफी कम है बट ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ हाई इनकम कंट्रीज की क्योंकि वहाँ पर कोई होता है गवर्नमेंट सपोर्ट हो तो इस तरह चीजें होने की वजह से वहाँ पर सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है क्योंकि अच्छी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर मिल जाती है। अगर यहाँ पर ना इन्होंने नोटिस किया है जिसका भी अच्छे कि अगर आप नोटिस करोगे कि अगर किसी जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर की बात है तो ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट के इलाज के लिए पैसा चाहिए ना वो कितना होता है 10 साल की एवरेज इनकम। मान लो आप 10 साल तक कमाते हो ना तब जाके आपको उतना पैसा इकट्ठा होगा कि जो आप ब्रेस्ट कैंसर का इंडिया के अंदर इलाज करवाओ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कितना है लगभग 1.5 साल के लिए। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर किसी पर्सन को मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर होता है ना तो उसकी 10 साल की एवरेज एनुअल सैलरी उस पर्टिकुलर चीज के अंदर लग जाती है बेसिकली पूरी जिंदगी कमाई मतलब इस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर लगानी पड़ जाती है। तो काफी मेजर इशू यहां पे देखने को मिलता है। यहां पर देखो कुछ ड्रग्स की बात की गई है हमें उतना ध्यान नहीं रखना कॉन्सेप्ट है ये ड्रग्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है ना कि महीने का 50,000 से लेकर 1 लाख तक खर्चा इन पर्टिकुलर ड्रग्स के कॉस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये नोवार्टिस कंपनी की ड्रग है फाइजर की ड्रग मिल जाएगी किसी तरह से आपको 3-3 का यहां पर सेवन करना पड़ सकता है मतलब इनमें से एक आपको सेवन करना पड़ सकता है इन केस पर्सन को कैंसर है। अब देखो यहां पर इतनी ज्यादा हाई कॉस्ट है क्यों आप लोग ये सोच रहे होंगे जो कंपनी के द्वारा अलग अलग रीजन दिए जाते हैं और वो रीजन क्या है वो रीजन ये है देखिए कि जब इनको क्या करना पड़ता है रिसर्च देखिए कि जब इनको क्या करना पड़ता है रिसर्च कोई भी चीज बनानी हो तो उसके लिए करना पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा तो रिसर्च कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी से काफी अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। जैसे मान लीजिए नियरली यहां बताया ना $3 बिलियन यहां पे खर्च करना पड़ा है। अब आप नोटिस करो अगर रिसर्च के अंदर अच्छा पैसा लग गया तो कंपनी कोशिश करेगी ना कि जितना पैसा उन्होंने लगाया है उसको वापस से रिकवर कर पाए तो इसलिए एक कारण ये बन जाता है। और यहां पर नोटिस पता क्या किया गया है कि रिसर्च से भी ज्यादा ना कंपनी का फोकस होता है कि कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कर पाए और इसी वजह से उनको ये इतने ज्यादा हाई प्राइसेस वो रखती हैं। इसके साथ ही दूसरा जो फैक्टर है दैट इज आईपीआर आप भी जानते हो इन पर्टिकुलर मेडिसिन से कॉस्ट आपको पेटेंट्स वगैरह लेने पड़ते हैं ठीक है ना। तो यहां पर इन सभी फार्मा कंपनीज का फोकस क्या होता है कि वो उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिले और इस वजह से क्या होता है एक बार पेटेंट मिल गया तो सामने वाली जो और कोई कंपनी है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो इससे क्या होता है एक तरह की मोनोपोली हो जाती है। अगर मार्केट में सिर्फ एक या दो ड्रग्स नहीं है तो क्या होगा तो जितना मर्जी वो प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं यहां पर हमें देखने को मिल जाता है। देखो सस्ती दवाइयां मिलती है वो जेनेरिक होती है ठीक है ना अगर उसके पेटेंट है तो ये सारी चीजें नहीं बनाई जाएंगी कॉस्ट वहां पर इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ ही अगर आप नोटिस करो यहां पर ना एक रीजन और भी है कि धीरे धीरे कुछ नई नई थेरेपी आती है कि मान लीजिए आज कैंसर के लिए चल थेरेपी थी थोड़े टाइम बाद थेरेपी कुछ बदलेगी एंड उसके बेसिस के ऊपर एक नई ड्रग आ गई तो जेनेरिक प्रोड्यूसर मार्केट में आ नहीं पाते। कई बार इसके उल्टा भी होता है उल्टा चीज है यहां पर मान लीजिए कोई ड्रग थी अब इस कंपनी ने इस ड्रग के अंदर कुछ माइनस चेंज कर दिया अब बोलिए कि नई ड्रग है अब इसके ऊपर मैं पेटेंट हूं इसको क्या बोलते हैं हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट ठीक है पेटेंट को बरस बरस लेते रहना पूरे माइनस चेंज करते हुए तो ये सारी चीजें यहां पर चली जाती है उसके बेसिस पे होता है सिर्फ वही कंपनी उस ड्रग को बनाती है और एक तरह की मोनोपोली उसकी कंटिन्यू रहती है तो ये भी एक मेजर रीजन बन जाता है। और यहां पर जो हम तीन पर्टिकुलर मेडिसिन की बात करते हैं ड्रग की बात करते हैं उसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है जैसे फॉर एग्जांपल जो फाइजर वाली है उसका पेटेंट है 2023 तक और बाकी का 2027 से 2029 तक तो काफी लंबे टाइम तक इनका पेटेंट होगा तब तक शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो हमें कम होते हुए देखने को मिले। बट ऑन द अदर हैंड नोटिस कीजिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने तो मल्टीपल जजमेंट में ये बोला है ना कि जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ उसके अंदर क्या आता है राइट टू हेल्थ उसके अंदर आता है तो जब इतने एक्सपेंसिव ड्रग्स होंगी तो क्या राइट टू हेल्थ वायलेट नहीं हो सकता बिल्कुल राइट टू लाइफ वो सारी चीजें हमें यहां पर हैम्पर होते हुए देखने को मिल जाती है। तो हमारी गवर्नमेंट यहां पर क्या सकती है देखो यहां पर एक प्रोविजन होता है दैट इज ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग। अब ये क्या चीज होती है देखो यहां पर ना अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर क्या कर सकती है वो सामने वाली किसी और कंपनी को बोल सकती है कि हाँ अगर अगर एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर कुछ पेटेंट भी है ना तो सामने वाले के उस पर्टिकुलर कंपनी के परमिशन के बिना भी कोई और कंपनी इस ड्रग को प्रोड्यूस कर सकती है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताता हूं मान लो कोविड 19 की वैक्सीन है ये काफी एक्सपेंसिव मान लीजिए तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है ये सिर्फ एक कंपनी बनाएगी इसको और डिफरेंट कंपनीज मिलकर बना सकती है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उनको लगता है कि वो सारे बेनिफिट्स यहां पर बढ़ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर तो ये सारी यहां पर डेफिनेटली करी जा सकती है। एंड अगर हम ये चीज करें तो डेफिनेटली जो हम एक्सपेक्ट करें इसके प्राइसेस इतने हाई हैं इन प्राइसेस को हम कम भी कर सकते हैं। पहले तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया वेस्टर्न कंट्रीज होगी जो इन चीजों को मना करती थी कंपलसरी लाइसेंसिंग नहीं होनी चाहिए पर हमने क्या देखने को मिला है कोविड 19 के बाद में यूरोपियन यूनियन हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया इन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर कोई दूसरी कंपनी बना चाहती है तो वो बना सकती है। तो राइटर भी बात कर रहे हैं कि हमें कंपलसरी लाइसेंसिंग तरफ वर्क करना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो कैंसर के कारण जो ड्रग्स हैं जो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं इनको हम सस्ते दामों तक लोगों को उपलब्ध करवा पाए साथ ही साथ जो राइट टू हेल्थ का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर उसको भी लोगों तक अच्छे से हम इंश्योर कर पाए। आई बात समझ में तो ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल तरफ जो इससे लेकर है टाइज विद तालिबान इसको जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ लेकर सकते हो। देखो सबसे पहले हम अफगानिस्तान की लोकेशन देख लेते हैं। मैं लोकेशन का क्यों बता रहा हूं आपको अगर आपने यूपीएससी 2022 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा ना तो आपने राइट क्या होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। क्या क्वेश्चन था कि भैया अफगानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन-कौन सी हैं यहां पर क्यों देख लो यहां पर देखो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान साइड पे इस साइड पे ईरान आ गया इस साइड पे तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान यहां पर पाकिस्तान यहां पर देखो यहां से चाइना का बॉर्डर है और यहां पर ये इंडिया का बॉर्डर लगता है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं देखो जम्मू कश्मीर है ठीक है ना ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है और यहां पर भी इंडिया का थोड़ा सा बॉर्डर यहां पे अफगानिस्तान के साथ टच होता है। ये सारी कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो हुआ क्या है तालिबान के द्वारा ना रिसेंटली फीमेल स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रही है उसके ऊपर एक बैन लगा गया